ये कैसे हुआ प्रदीप? हमारे कांस्टेबल क्या कर रहे थे? रवि भी खबर आई है। वो इतने अचानक से हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला मतलब? उन्हें प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था। सो रहे थे वो लोग। कब हुआ ये? आज सुबह से। भाजी दूध। लो तुम चलो रे। सिर्फ यही दोनों राजीव और मुकेश शुक्ला के खिलाफ गवाही देने वाले थे। हमने इन्हें प्रोटेक्शन दी थी। मैंने उन कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया सर। डिसमिस कर दो दोनों को। कोर्ट में क्या कहेंगे हम कि हम विटनेसेस की सुरक्षा नहीं कर पाए, इलाके में गुंडागर्दी नहीं रोक पाए? आज सुबह तो गवाहों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और वो भी उन्हीं के घर पर जो खूनखार शुक्ला बंदों के खिलाफ गवाही देने वाले थे। पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद ये हादसा हुआ। कहने के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर है, पर जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ आज भी गुंडों के बंदूकों की नोक के ऊपर जिंदगी चलती है और बिखरती भी है। इसी नजरिए को तोड़ना है, इन गैंगस्टर को तोड़ना है, उनकी बंदूकों से निकलती गोलियों को रोकना है, उनकी बंदूकें छीनना है, इन गैंग्स का जड़ से सफाया करना होगा। सबसे पहले शुक्ला बंधु राजीव और मुकेश शुक्ला को रास्ते से हटाओ, बाकी सारे गैंग्स खुद खामोश हो जाएंगे। एनकाउंटर सर, न्यायिक प्रक्रिया के दायरे से बाहर जाकर के क्रिमिनल्स की किलिंग, ऐसा हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को करने को क्यों कहा जाता है? और सर, इन गैंग्स को जड़ से खत्म करने के लिए हथियारों की इलीगल सेल्स को बंद करना सही नहीं होगा? अगर गैंगस्टर्स के पास में हथियार नहीं होंगे तो वो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। बिल्कुल यही होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हर केस की अलग होती है। जब ये केस हमारी टीम को सौंपा गया तब वहां पर लॉलेसनेस अराजकता थी। तो क्या राजीव शुक्ला और उसके भाई मुकेश शुक्ला के एनकाउंटर से ये समस्या हल होती? नहीं होती, और हुई भी नहीं। लेकिन हाँ, मसला एक हद तक जरूर हल हुआ। इलाके की गुंडागर्दी शांत हुई। एनकाउंटर हुआ, एक ऐसा एनकाउंटर जिसका कनेक्शन जुड़ा था यहां से हजारों मील दूर पेरिस से। कैसे? वेल, इस एंगल पर हम जल्द उठेंगे, पर इससे पहले कि हम राजीव शुक्ला मुकेश शुक्ला के कहीं आसपास भी पहुंच पाते, हमें एक और झटका मिला, एक और मर्डर हुआ हमारी नाक के नीचे। सर, ये राजीव शुक्ला पहले कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क था, घपले करता था, कई पॉलिटिशियंस को भी हेरा फेरी करने में मदद की है इसने, और फिर खुद पॉलिटिक्स में घुस गया। हाँ सर, पर फेल पॉलिटिशियन है, हर बारी चुनाव में इसकी जमानत जब्त हो जाती थी। फिर पॉलिटिशियन का मिडिल मैन बनकर दो नंबर की डील फिक्स करने लगा, फिर एक्सट्रॉशन करने लगा, फिर मांडवाली करना, प्रोटेक्शन देना और सुपारी उठाना सब शुरू कर दिया सर इसने। और ये छोटा भाई मुकेश शुक्ला, बड़ा भाई बाहुबली बनता जा रहा था, तो ये भी पीछे तो नहीं रहा होगा? हाँ सर, रसूख और रुतबा यहाँ हर कोई चाहता है। इनके गांव में अभी कोई माँ बाप है सर? माँ गांव के एक पंचायत मेंबर है। इन दोनों भाइयों का जहाँ तक दबदबा है वहाँ तक जाल बचाओ। ये दोनों भाई जल्द से जल्द मुझे मेरी कस्टडी में चाहिए, इससे पहले कि ये फिर से मार करें। हे बलराम जी। भैया जाओ गोदाम में जाके महिंदर का मदद करो। ठीक है भैया। राम राम गौरव भैया। तुम यहाँ और कहाँ जी, ड्यूटी कर रहे हैं, आपका, आपके खेत का, आपके माल का, आपके जान का सुरक्षा कर रहे हैं। अब इसके बदले में आप एक छोटी सी फीस तो अदा कीजिएगा ही। नहीं उकाए हमारे बड़के भैया जो हैं राजीव भैया, वो बोले हमका कि जो गौरव भैया हैं उनका जो खेत है ससुर सोना उगल रहा है, तो 10 लाख तो ऐसे ही दे देंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो कल के कल ले आना। हाँ चलते हैं। और सुनो, कल 11 बजे तक तो हम इंतजार करेंगे,
उसके बाद हम नहीं, हमारा सामान बोलेगा। राम राम। अरे बस बस बस, कितना भार डालोगे भाई ट्रक में हा? पहले इसको पहुंचा दो, दूसरे चक्कर में बाकी पहुंचा देना। रखो क्या हुआ करो, क्या बात है? मांगे हैं तो दे आओ 10 लाख रुपए। खतरे का बोझ लेकर कौन घूमेगा? क्या बात कर रहे हैं बाबूजी, ये बोझ आज सर पे लिया तो कल हाथी बनकर बैठेगा हमेशा के लिए, हम बता दे रहे हैं। बेटा ये हाथी नहीं है, पगलाया हाथी है। देखे नहीं हो, दिनेश पासवान ने पैसा देने से इनकार किया तो कैसे उसको गोलियों से भून दिया उसके माँ बाप के सामने। गौरव सही तो कह रहा है, अब तो पुलिस ने भी कह दिया है ना कि डरने की जरूरत नहीं है और पैसे भी नहीं देने। पुलिस के कहने से क्या होता है, कमाल करती हो। देखे नहीं हो, दिनेश पासवान को तो बचा नहीं सकी, ऊपर से उसके माँ बाप को भी मार डाला। दो दो पुलिस वाले थे उसके घर के बाहर तब भी। लेकिन बाबूजी अगर आज हमने 10 लाख रुपए दिए तो कल वो 20 मांगेंगे। बाबूजी हम तो कहते हैं प्रभाकर भैया से बात करते हैं और सामना करते हैं शुक्ला बंधुओं का, एक बार मुंह तोड़ जवाब दे दिए तो ठंडे पड़ जाएंगे ये लोग और अपना दबदबा भी हो जाए। ना ना वीरू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो वो गुंडे, सुन लो, वो गुंडे हम लोग गुंडे नहीं है। गुंडों को गुंडों की भाषा में समझाना पड़ता है बाबूजी। वीरू तुम ज्यादा फैलो ना, हम लोग सीधे साधे किसान है, ऐसे जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। हाँ तो गौरव भैया हम इतने डरपोक भी नहीं है कि किसी ने एक धमकी क्या दे दी कि तुम दबा के पैसे दे जाए। वीरू तुम बीच में ना पड़ो, आप हमको बस जगह और टाइम बताओ जहाँ पैसा देने वाले। तुमसे बोले ना तुम बीच में ना पड़ो, जो करना है जैसा करना है हम सब संभाल लेंगे। अम्मा बाबूजी हमें तनिक सोचने दीजिए आराम से, वैसे भी हमारे पास कल सुबह 11 बजे का टाइम है। गाना कहाँ नहीं चल रहा? प्रभाकर भैया वो हमारे गौरव भैया तैयार नहीं हो रहे शुक्ला बंधुओं को जवाब देने के लिए, उनको जगह का नाम ही नहीं बता रहे जहाँ पैसा देने वाले। कितनी बार तुमसे कहा है, लोहा लोहे को काटता है और गोली का जवाब हमेशा गोली से दिया जाता है या बम से। अगर तुम उनके तलवे चाटोगे ना वो अपना पैर तुम्हारे मुंह में डाल देंगे। प्रभाकर भैया हमारे घर में सबको लगता है कि कोनो चमत्कार होने वाला है, इसलिए जान की हिफाजत का भरोसा पुलिस वालों पे कर रहे हैं। कौन समझाए उनको कि हमको अपना हिफाजत खुद करना पड़ेगा, कोई क्यों करेगा हमारी जान की परवाह? हमारा अब बोलने से भी क्या होगा रे वीरू, अब देखो क्या होता है पुलिस पे भरोसा करके। अम्मा कसम से कुछ गलत नहीं करेंगे हम, बस हमको एक बार उस जगह का नाम बता दो जहाँ गौरव भैया गए। हमका कुछ नहीं बताया गौरव ने, और तुम ना बीच में ना पड़ो, गौरव जो भी करेगा सही करेगा। हमको भी तो कुछ भी नहीं बोले गौरव भैया। पूजा तुम भी पैसा देने के खिलाफ थी ना? हाँ वो तो हम अब भी है। तो बताओ गौरव भैया कहाँ गए हमको? मालूम ही नहीं है तो कैसे पता है वीरू भैया? रे यार भैया गांव रास्ते से लेकर मेन रोड तक सब जगह चेक करो, आसपास के सारे गांव में जाके एक एक घर चेक करो, कोई भी होटल धर्मशाला लॉज खाली मकान कहीं पे भी उनको छुपने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। सुन
जितने साल तूने इस वर्दी में काटे होंगे उससे 6 गुना ज्यादा साल हम इस गांव की पंचायत के मेंबर रह चुके हैं। सलाम ठोकने के बजाय ताने मार रही है। विशाखा जी, एक तो ताने मारने के अलावा हम और भी बहुत कुछ मारते हैं, और रही बात इज्जत की, तो आपकी उम्र की कर रही हूँ, आपको वार्निंग दे रही हूँ कि आपके दोनों बदमाश बेटों में से किसी ने भी आपको संपर्क किया और आपने हमें तुरंत नहीं बताया ना, तो ये जो सालों का पंचायती गुरूर है ये मिनटों में उतार दूंगी लॉकअप के अंदर। इस घर के बाहर 24 घंटे निगरानी चाहिए, कहीं भी वो दोनों आसपास दिखते हैं तो सबसे पहले पैर पर फायरिंग होगी। जिंदा चाहिए वो हमें लॉकअप में। ये आपकी गुंडागर्दी है वर्दी में। अभी आपने हमारी असली गुंडागर्दी देखी कहाँ है विशाखा जी, इसीलिए जितना कहा है उतना कीजिए। अपने दोनों बेटों से सरेंडर करवा दीजिए तो हो सकता है 2 गोली कम मारे। राजीव शुक्ला, मुकेश शुक्ला कहाँ है ये खबर तुम लोग मुझे लाकर दोगे? और एक बात याद रखना, अगर हमारी खबरें उन तक पहुंची तो जिंदगी में कभी बोलने और सुनने के लायक नहीं रहूं। बात आई समझ में? जी साहब, ऐसा ही होगा। बस कुछ दिनों तक चलेगी शुक्ला बंधुओं की तलाश, फिर देखना। वीरू, तुम चुपचाप अपना खाना खत्म करो। गौरव ने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया है। अरे सही तो तब होता ना जब दोनों भाई जेल के अंदर होते और बेल ना होती, और ऐसा कभी नहीं होगा, लिख के ले लो। हम लोग ऐसे ही सोचते रहे तो कुछ भी नहीं होगा, ना ही कुछ बदलेगा ना ही कोई कानून रहेगा। यहाँ आज तक कुछ अलग हुआ है जो अकेले हमारे सोचने सब बदल जाएगा? जब कानून की रक्षा करने वाले खुद कानून की रक्षा नहीं कर पा रहे तो हम क्यों करें भरोसा ऐसे कानून पे? खाना खाते हुए ऐसा बेकार बहस करना जरूरी है का? ये जो खबरी होता है ना, ये ना पुलिस के होते हैं ना सामने वाले के, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता, समझे हो? गौरव भैया ने गलती कर दी। नहीं करनी चाहिए थी, उसका एहसास होगा। सर हम हरेक एरिया में छापे मारे, पता नहीं ये मुकेश और राजेश शुक्ला कहां छुपे बैठे। हमारे हाथ में जो भी मुमकिन है हम सब कुछ कर रहे हैं सर। नहीं रस्तोगे, जो भी मुमकिन है अगर हमने वो सब किया होता तो ये राजीव शुक्ला मुकेश शुक्ला जैसे लोग हमारी नाक के नीचे पनपते ही नहीं। सरेआम लोगों को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस तरह के लोगों को तभी कुचल देना चाहिए जब ये लोग पहली बार हथियार उठाते हैं। ये हथियार ना उठाएं, ये हम पर है रस्तों की। अब हम रुके? अरे ना ना बेटा, तुम जाओ, हमें टाइम लग जाएगा। तुम जाओ खेत पर, हम रिक्शा करके आ जाएंगे ना। ठीक है। खबरी ओवर टाइम लगे हुए थे, खबरें भी आ रही थी आधी अधूरी, लेकिन शुक्ला बंधु हमारे हाथ नहीं आ रहे थे। सच कहूं उन तक पहुंचने में जो हमें देर हुई वो देर हमें बहुत महंगी पड़ी। आज भी जब मैं अपना चेहरा आईने में देखता हूं तो मुझे मेरी आंखों में एक फेलियर नजर आता है। सर इतना बड़ा जाल डाला आपने उनको पकड़ने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो अरेस्ट नहीं हो पा रहे थे। मतलब कोई बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम या हेल्प तो जरूर रही है। सर कोई भी गैंग या गैंगस्टर उन्हें पालने वालों के सपोर्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, ये बात सच है ना? और इस प्रॉब्लम का हम सब भी सामना करेंगे ना? शायद करना होगा, शायद। देखो ऐसी सिचुएशन की ये रियलिटी होती है कि हमने कितनी अराजकता फैलने दी, अब एज ए लॉ कीपर्स हमें भी उतनी ही अराजकता का सामना करना पड़ेगा उसे कुचलने के लिए। हाँ इस बात पर फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन किसी स्पेसिफिक केस की खास सिचुएशन में अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी सारी मायूसी को दूर कर जल्द से जल्द काम पर फोकस करो। तो फाइनली उन शुक्ला बंधुओं को आपने कैसे अंदर किया, और वो पेरिस वाली लड़की का कनेक्शन? हाय। कहाँ थी तुम? पता है आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कॉलेज गई थी, मैं अपनी क्लासेस मिस नहीं कर सकती। अच्छा रात वाला मैसेज मिला क्या? हाँ मिला। तो तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या सुनना चाहते हो? वही जो तुम्हारे दिल में। ओके सो आई आल्सो लाइक यू। मैंने
आई लाइक यू तो नहीं कहा था, और आई लाइक यू तो हम किसी को भी बोल सकते हैं। मैंने पूछा था कि डू यू लव मी, मुझे इसका जवाब चाहिए। सो आई लव यू, यस आई डू, हैप्पी? अरे बहुत हैप्पी, पता है यही तो मैं सुनना चाहता था। अभी तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि दोनों की माँ विशाखा जी से पूछताछ की, उन दोनों ने ना अपनी माँ को फोन किया ना उनके घर गए। सर गौरव की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई थी, बीच बाजार में फायरिंग हुई, पर कोई भी गवाही देने के लिए सामने नहीं आया सिवाय गौरव की माँ लता के। ये नहीं होना चाहिए था, कतई नहीं होना चाहिए था। यस सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं मानता हूँ इसके लिए मैं जिम्मेदार। सुनो, मुझे तुम्हारी तरस भरी कहानी नहीं सुननी, रिजल्ट चाहिए मुझे। गौरव की मौत के बहुत से जवाब देने पड़ेंगे मुझे। बीच बाजार में मारा गया, विटनेस है उसकी माँ। नकेल डालो इन शुक्ला बंधुओं को और घसीट कर लेकर आओ। अखिलेश, मैं उन्हें कोर्ट में खड़ा करना चाहता हूँ, मैक्सिमम सजा दिलवाना चाहता हूँ उनको, मैक्सिमम। आप सही बोले थे परवाह कर भैया, दबदबा उसी का है जो दिन दहाड़े भरी बाजार में मार के चला जाए और एक भी आदमी गवाही देने ना आए। रहकर बस मेरी अम्मा ही बची थी। अरे तो समझाओ ना अपनी अम्मा को, मिथिला जी और विश्वनाथ के साथ क्या हुआ था पता है कि नहीं? उनके बेटे दिनेश को उनकी आंखों के सामने गोली मारे थे ये, और फिर जब वो गवाही देने गए तो शरेआम पुलिस के सामने मारा था इन्हीं शुक्ला बंधुओं ने, समझाओ कि नहीं? नहीं प्रभाकर भैया, मतलब डरो या तो मरो, जरूरी नहीं है, मारो और जियो भी तो हो सकता है ना। खत्म करते हैं शुक्ला बंधुओं को, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कानपुर में मुसाफिर खाना, पिछले दो दिनों से राजीव और ये मुकेश शुक्ला वहाँ पर रह रहे थे, और भाई अभी भी वो लगता है वो लोग वहीं रह रहे हैं। लॉज के मैनेजर का कहना है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता कि वो लोग कौन थे जो कस्टमर बन के आए और ये कांड कर दिया। सुना है गौरव सैनी का छोटा भाई वीरू सैनी हथियार उठाने की फिराक में था। सर मैंने मैनेजर को वीरू की तस्वीर भी दिखाई, उसने कहा वो यहाँ नहीं आया था। तो फिर कौन? सर हमें बहुत खेद है कि हमने उन दोनों को नहीं मारा, हमारा तो सपना था दोनों को ठोकने का, और जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि हम अपना सपना पूरा ना कर पाए। सुना है प्रभाकर माथुर के साथ तुमने अपना गैंग बना लिया है। देखो वीरू, तुम मुकेश और राजीव शुक्ला जैसे मत बनो, अगर तुम ऐसा सोच भी रहे हो तो ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब हम खून खराबा होने नहीं देंगे।
काश आपने गौरव भैया का खून नहीं होने दिया होता, काश आपने दिनेश पासवान उसके माँ बाप मिजला और विश्वनाथ पासवान का खून नहीं होने दिया होता, तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि हम यहाँ खड़े होते और आप इस तरह से बौखलाए होते। खैर, हमने राजीव शुक्ला को नहीं मारा। सीमापुर के जंगलों में बेहोश पाया गया। सीमापुर? ये दोनों वहां की लॉज में छुपे हुए थे। बड़ी अजीब बात है, इन गैंग्स को एक दूसरे की सारी खबरें मिल जाती हैं, लेकिन ये खबरें हमें नहीं मिलती। अम्मा हम करना चाहते थे पर हम नहीं किए। बेटा हमने गौरव को खोया है, तुम्हें भी खोना नहीं चाहते। आप हमको एक बात बताइए, गौरव भैया खतरे पकड़े गए, सजा हुई उनको? ऊपर से भैया ने पुलिस को खबर दी थी शुक्ला बंधु के ठिकाने की, फिर भी पुलिस उनको बचा नहीं पाई। अपने आंखों पे बंधी पट्टी को उतार दो अम्मा, इसे डर डर के मरने से अच्छा कि लड़के जियो। हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, लेकिन अदालत में जब तक गौरव के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे बेटा। लेकिन हम और तुम्हारी अम्मा तुम्हें जो है शुक्ला बंधुओं की तरह खूनी बनता हुआ नहीं देख सकते, समझे? अब शुक्ला बंधु कहाँ रहे, एक ही बचा है, राजीव शुक्ला मारा गया, मुकेश शुक्ला लंगड़ा हो गया और अभी पुलिस के पास है। वो मुकेश ही है जिसने गौरव को मारा, हमने अपनी आंखों से देखा है, अदालत में पहचान लेंगे हम उसे। अम्मा, अदालत जिंदगी से खून की तरह वक्त चूस लेगी, बस इंसाफ वो है जो राजीव शुक्ला के साथ हुआ, इंसाफ सिर्फ और सिर्फ वो है, और मुकेश शुक्ला के साथ भी वही होना चाहिए। बता तो दिए, नहीं पता हमको राजीव भैया दरवाजा खोले थे, जब फायरिंग शुरू हुई हम पिछले दरवाजे से भाग निकले, चेहरा नहीं देखे किसी का, सब गमछा बांधे थे मुंह पे। मुकेश तो इस गलतफहमी में कतई मत रहना कि तू बाद में बदला ले लेगा, अब कानून की बारी है, तुझसे तेरे सारे अपराधों का हिसाब लेंगे हम। आपको जो सोचना है सोचिए, रहा बात हिसाब का, तो जो लोग ये खेल शुरू किए ना, खत्म उनके खात्मे से ही होगा। गौरी, सर, तीन गार्ड्स अंदर, तीन गार्ड्स बाहर, 24 घंटे तनाव। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो उन्हें अपने हॉस्पिटल के रूल चेंज करने पड़े तो करें। ये आदमी जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा होने लायक हो जाए, मुझे मेरे लॉकअप में चाहिए। सिंधा, राइट सर। सूरज चतुर्वेदी, ललित पचौरी, अर्जुन कुशवाहा, संदीप मौर्य, इन चारों ने रिलीवर मांगा है, भेज दो। गौरव की फैमिली की प्रोडक्शन इस वक्त मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है। चारों अच्छा काम कर रहे हैं सर। रिलीवर भेज दो और बेटर काम करेंगे। दसों की इस बार हमारे पास सब कुछ है, विटनेस है, एक्यूज कस्टडी में है, सब कुछ सही जाना चाहिए। इस बार कोई लूपहोल्स नहीं, कोई गलती नहीं। लता जी, प्रभाकर जी, वीरू को बहकाना बंद करिए। लता जी, वीरू कोई बच्चा नहीं है और हम भी कोई सिरफिरे नहीं है। वीरू हमें अच्छा दोस्त मानता है और हम भी उसे अच्छा दोस्त मानते हैं, बस। आप दोनों का दोस्ती कितना गहरा है वो अच्छी तरह से जानते हैं हम। आप और वीरू गलत रास्ते पे चलना चाहते हैं। देखिए, हम यहाँ आपसे भीख मांगने नहीं आए हैं, इसलिए कान खोल कर सुन लीजिए। अगर वीरू ने कोई भी गलत काम किया ना, तो उसका अंजाम आप भी भुगतेंगे, वो भी कानूनी तरीके से। और अगर आपके बहकावे में आकर वीरू ने वो राजीव शुक्ला का कत्ल कर भी दिया हो ना, तो हमें बता दीजिए, हम सुन भी लेंगे और सह भी लेंगे, पर हमरे वीरू को शुक्ला बंधुओं की तरह बनते नहीं देख सकते। देखिए लता जी, बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी, वीरू आपका अपना बेटा है, आप उसी से पूछ लीजिए, वो झूठ थोड़े बोलेगा आपसे। नमस्कार। बोल रहा है, कह रहा है कि बाहर रहने से अच्छा है कि तुम अंदर ही रहो, कहे कि जो लोग तुम्हारे भाई को मार गिराए हैं ना, वो तुम्हारे भी खून के प्यासे। अरे माई, हम कोनो दूध पीता बच्चा है का? वकील का बोलो हमरा जमानत करवाए फटाफट। राजीव भैया का खून का एक एक कतरा के बदले ना, एक एक लीटर मांगेंगे। हमारे दुश्मन लोग कोई नहीं लगना चाहिए, हम डर गए हैं, तुम दुबई के लॉकअप में छुप गए हैं,
माई मार्केट में एक बार नाम खराब हुई गुआना, उसका बाद दबदबा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ रही हो? हम समझ रहे हैं। हम बात करेंगे वकील से। मुकेश, हम तुमको खोना नहीं चाहते। माई हमारा कोनो बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम खाली हमारा जमानत करवाओ फटाफट। बिरानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अभी अभी गौरव सैनी मर्डर केस की हियरिंग की तारीख मुकरर कर दी है। आरोपी राजीव शुक्ला, जिसका हाल ही में कत्ल हुआ, और सह आरोपी मुकेश शुक्ला, जो राजीव का छोटा भाई है, इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, जिसके ऊपर मुकदमा चलेगा। यह अपने आप में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि शायद इलाके में पहली बार किसी गैंग के ऊपर मुकदमा चलेगा। पर सवाल यह है कि क्या इस ट्रायल से इलाके में हो रही गुंडागर्दी और गैंग वॉर्स खत्म होंगे? क्या राजीव शुक्ला की मौत का राज खुलेगा? क्या उसे कोई राइवल गैंग ने मार गिराया था या एक पुलिस एनकाउंटर था? कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका ना ही जवाब पुलिस ठीक से दे पा रही है और ना ही प्रशासन। इस केस से शुक्ला गैंग हमेशा के लिए फिनिश हो जाना चाहिए। होगा सर, जरूर होगा। ये गौरव सैनी की फैमिली को बराबर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है? यस सर, टाइट सिक्योरिटी। इस बार अनहोनी होने का कोई चांस नहीं है सर। कम ऑन श्रुति, फ्लाइट मिस करनी है क्या? जल्दी करो। हाँ मम्मा, आ गई मैं। चलो लेट्स गो। लास्ट तक ये फोन में या लैपटॉप में ही लगी रहती है। ऐसे भी क्या बात है जो फ्लाइट से भी ज्यादा जरूरी है? किसे बात कर रही थी? चलो आओ। बस निकल रही हूँ। तो अब हम फाइनली मिलेंगे एक दूसरे को, फर्स्ट टाइम, फेस टू फेस नहीं, बॉडी टू बॉडी। क्या मतलब है उसका? हाँ श्रुति, जल्दी करो, अपने बैग्स लेके आओ। आई मम्मा। चलो बाय, सी यू इन इंडिया। मसाला? जी हाँ, ठीक है। हाँ, धनिया पाउडर हो गया। साहब जी, जल्दी आ जाइए, लता जी के घर में गोलियां चल रही है खूब सारी। कौन थे वो लोग घनश्याम? साहब जी पता नहीं, हमने तो अभी उनको बंदूक लिए भागते देखा है, और लता जी के घर के अंदर से कोई बाहर भी नहीं आया, कोई आवाज भी नहीं आ रही है। साहब जल्दी आ जाइए। सूरज चतुर्वेदी जिंदा है लेकिन बेहोश है, तुरंत हॉस्पिटल भेजो। सर क्या हुआ यहाँ? पूजा कहाँ है? लता कहाँ है? हमारी अम्मा और बहन कहाँ है? देखिए वो
वो दोनों नहीं रहे। सर सारे कार बैंड गायब है। सर कुछ और भी हुआ है। कुछ और मतलब? सर कांस्टेबल ललित पचौरी उसका गला घोटा गया। सर सूरज चतुर्वेदी का ना गला घोटा गया है ना गोली मारी गई है। क्या हुआ क्या है? इतनी सुरक्षा के बावजूद ये सब कैसे हुआ? कोई बताएगा हमको? सर जी मैं तो खेत पर था मुकुंज के साथ। आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए हमको। ये क्या हुआ हमारे घर? कैसे मरे हमारी अम्मा और बहन? आपके लोग किसकी सुरक्षा कर रहे थे? देखो वीरू हमें पता लगाना होगा। पता लगाना होगा, कुछ करना होगा, कुछ करेंगे, पर कुछ कर नहीं रहे, किसी को बचा नहीं रहे। मेरे भैया को मार दिया शुक्ला बंधु ने, क्या गलती थी? आप पे भरोसा की, अब हमारी अम्मा और बहन को मार दिया मुकेश शुक्ला ने, क्या गलती थी? आप पे भरोसा की। वीरू हमारे लोग भी मारे गए। हाँ तो उनका काम था हमारी अम्मा की सुरक्षा करना, वो किसकी सुरक्षा कर रहे थे फिर? पूरा का पूरा क्राइम सीन सील रहना चाहिए जब तक फॉरेंसिक टीम अपना काम खत्म नहीं कर देती है। किचन में चाय बन रही थी, मैंने वहाँ पे कप्स भी देखे और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स भी थी। दसोगी गौरी, क्या हमारी टीम में कोई है जो मुकेश शुक्ला को हमारी खबरें दे रहा है? बहुत मुश्किल है सर, मैंने पर्सनली सारे ऑफिसर्स की बैकग्राउंड चेकिंग की थी, ये हमारे बेस्ट ऑफिसर्स में से एक थे। ये कैसे हो सकता है? सर फ्रेंकली अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। सर कुछ कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ है उस घर के अंदर। अजीब से का क्या मतलब अखिलेश? वही हुआ जो होता आया है, एक और मर्डर, विटनेस को मार दिया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हमारे दो कांस्टेबल भी मारे गए, विटनेस की मासूम बेटी को भी मार दिया गया। इस समय सबसे अजीब तो हम हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए। देखो अखिलेश, समेटो अपने आप को, पूरी टीम को समेटो, जस्ट गो आफ्टर इट। हमें इस केस को जल्द क्रैक करना होगा, मुझे ऊपर बहुत से जवाब देने होंगे, समझ रहे हो तुम? सुनकर अच्छा लगा माई, सुकून मिला। लेकिन ऐसा कौन सा शुभचिंतक हो सकता है हमारा जो इतना बड़ा उपकार कर दिया हमारे ऊपर? आउट ऑफ डेंजर है सूरज चतुर्वेदी, हेविली सेडेटेड है, होश में आने में टाइम लगेगा। क्या हुआ ऐसे डॉक्टर? ये इसके कारण। ये क्या? आप तुरंत यहां आ जाइए। ऑन द वे हूं डॉक्टर। एक तरफ हम क्रिमिनल गैंग्स को जड़ से उखाड़ने की मुहिम पर थे और दूसरी तरफ ये विटनेसेस को खत्म करने का क्रूर प्लान सामने आया, जिसकी वजह से नरसंहार हुआ। वो पेरिस वाली लड़की का क्या कनेक्शन है इस नरसंहार से? क्या उसी से ब्रेक थ्रू मिला आपको? इन्वेस्टिगेशन काफी घूम घाम कर कनेक्शन बना पाई कि उस पेरिस में रहने वाली कॉलेज स्टूडेंट का यहां यूपी के इंटीरियर में गैंग वॉर से क्या ताल्लुक हो सकता है। कल रात हम पेश करेंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, जिसमें आप देखेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण लता सैनी, उनकी बेटी पूजा सैनी और उनकी रक्षा के लिए तैनात किए गए दो कार्बनधारी कांस्टेबल्स की हत्या हुई। ये हत्याकांड आखिरकार पेरिस से अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया आने के लिए निकली श्रुति सक्सेना के साथ किस तरह जुड़ा था, कौन था इस शूटआउट का मास्टरमाइंड और क्या थी इसकी असली वजह? कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको, जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।